हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर्स में हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ अब्डोमेन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर्स में हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑन पेशेंट देखेंगे। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन ऑफ अब्डोमेन करते समय कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स, कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं और एग्जामिनेशन ऑफ अब्डोमेन कैसे करना है वो बाद में देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहला होता है फ्रेंड्स पेशेंट की कंसेंट लेना। ठीक है, पेशेंट इस चीज़ के लिए तैयार है क्या नहीं, ये सबसे पहले पेशेंट की कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है मिस्टर प्रदीप, आप एग्जाम को मैं आपकी पेट की जांच करने वाला हूँ, इसके लिए आप तैयार हैं? ठीक है, पेशेंट ने कंसेंट हमें दे दी है। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ अब्डोमेन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक प्रोटोकॉल क्या रहता है कि हम लोग एग्जामिनेशन टेबल के राइट साइड में खड़े होने चाहिए। ठीक है, एग्जामिनेशन टेबल से राइट साइड में खड़े होने चाहिए, इसे प्रॉपर एग्जामिनेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो चीज़ है, एग्जामिनेशन ऑफ अब्डोमेन करते समय नीज ऑफ द पेशेंट मस्ट बी फ्लेक्स्ड। ठीक है, नीज ऑफ द पेशेंट मस्ट बी फ्लेक्स्ड। ये क्या करना रहता है फ्रेंड्स, हमारे जो घुटने रहते पेशेंट के पेट की तरफ लेना है। ठीक है, नीज ऑफ द पेशेंट मस्ट बी फ्लेक्स्ड एंड सोल ऑफ द फिट मस्ट टच द फ्लैट सर्फेस ऑफ द टेबल। ठीक है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अब्डोमेन मसल रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, अब्डोमेन मसल रिलैक्स हो जाती है। फ्रेंड्स, तीसरा जो प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स, जो पेशेंट के हैंड है ना, पेशेंट के हैंड प्रॉपरली तरीके से नीचे बेड को टच करनी चाहिए, पैरेलल टू द बॉडी। ठीक है, पैरेलल टू द बॉडी पेशेंट का हैंड अच्छी तरह से अब्डोमिनल एग्जामिनेशन टेबल पे टच करने चाहिए। ठीक है, इससे भी क्या होता है फ्रेंड्स, एकदम आर्मी अब्डोमिनल मसल्स अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाती है और हम लोग प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,